है व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम रवि परते और मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो अभी लगभग हो रहा है भाई दोपहर के 3:30 और मैं जा रहा हूँ अभी भोपाल। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैंसिल हो गया था हमारा जाना, और देखो भाई ये कहाँ जुगाड़ लगा के हेलमेट टांगा मैंने अभी, क्योंकि हमारे साथ जा रहा भाई केशव भी जाएगा। तो भाई साहब अभी चल रहे हैं केशव के घर और वहीं चल के मैं बताता हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं भोपाल। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी केशव के घर, ट्रैक्टर से जा रहे हैं मैं अभी भोपाल। ये वाले ट्रैक्टर से जा रहे हैं भोपाल। तो भाई अभी देखो पूरी किट पे हैं और पिट्टू बैग भी लगा के लाया हूँ मैं, सब कुछ तो रेडी है भाई। भयंकर धूप है और 40+ अभी चल रहा है, अभी केशव भाई चलने को तैयार। ये रखा ना हेलमेट पीछे लटका के लेके आऊँ भाई हेलमेट। तो अभी केशव भाई के काम से जा रहे हैं भोपाल, तो अभी रास्ते में बताऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फुटेज खाएंगे तो भोपाल जाते जाते तो भाई पूरी मूवी बन जाएगी 3 घंटे की। तो अभी निकलते हैं जस्ट और बस मिलता हूँ जस्ट आगे आपको। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी मेन रोड पे जो कि है अपनी 4 लेन, और केशव भाई जस्ट मेरे पीछे बैठा है। और अभी भाई काफ़ी गर्मी है भाई, 42-45 डिग्री तो होगा पक्का, इतनी गर्मी है अभी। तो अभी चले चल रहे हैं भाई, जल्दी से भोपाल पहुँच जाएँ। और अभी हम वैसे मेन काम जो है ना, मैं बताता हूँ आगे चल के अब क्या काम से जा रहे हैं। वैसे 2-3 काम है हमें भोपाल में। तो गाइस जस्ट अभी हम आके अभी रुके हैं भाई, पानी वानी पीने के लिए रुके थे, क्योंकि भाई रोड इतनी ख़राब थी ना रास्ते में, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा भोपाल में शूट करना है आज। तो रोड पे क्या ही दिखाऊं। तो लगभग अभी बच गए 4:10, मतलब 4:10 ही हो रहे हैं वैसे तो। यहाँ से लगभग बचा है 38 किलोमीटर भोपाल बचा है। और अपने कहाँ जाना केशव भाई? बैरागढ़ जाना गाइस, मतलब भोपाल के आगे ही जाना है हमें। तो चलते हैं भाई, अभी तो है टाइम, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गए ना तो फिर वो ऑफिस वाला टाइम हो जाता है, मतलब छुट्टी वाला, तो फिर बहुत ट्रैफिक मिलता है। देखेंगे, कोशिश करेंगे कि बाहर ही बाहर हम जाएं, बाईपास पकड़ के निकल जाएंगे सोच रहे हैं। A few inches later. तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं भोपाल शहर में, और देखो वेलकम टू द BRTS भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो मेन अभी मिसरोद में एंटर करने वाले हैं हम, मतलब हो चुके हैं मिसरोद में तो आ चुके हैं। तो अभी भाई हम आए हैं मेन काम हमारा जो है ना भाई, केशव ले रहा है भाई अपनी बाइक। तो एक अच्छी डील मिल रही थी केशव को, तो भाई कॉन्टिनेंटल GT देखना है हम भाई, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट गाड़ियों में से एक है वो। तो उसके लिए हम जा रहे हैं बैरागढ़, जो कि यहाँ से अभी 25 किलोमीटर और है। तो अभी भाई मौसम बहुत ही तगड़ा हो गया भाई, बारिश का सीन हो गया है। तो देखते हैं भाई साहब, अभी बहुत गर्मी लग रही थी राइड के दौरान और अभी एकदम ठंडा हो गया है माहौल। तो चलते गाइस, बस अभी यही है कि भाई अभी क्या है ना कि ऑफिस वाला टाइम हो गया ख़त्म, तो थोड़ी ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन कोई ना, शहर में रोड ठीक है तो पहुंच जाएंगे टाइम से हम। तो बस गाइस यही मेन काम था हमारा, और एक दो और काम है तो वो भी करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ चले भाई अपन? तो सबसे पहले भाई केशव बोल रहा है बैरागढ़ चलते, क्योंकि भाई शाम हो रही है ना, तो दिन ही दिन में बाइक देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई कॉन्टिनेंटल GT आने वाली है ग्रुप में अपने, आई होप भाई पसंद आ जाए एक बार में भाई को, और चल के ही बात करते हैं हम डायरेक्ट वहाँ पे। तो चलते हैं गाइज अभी, नहीं तो यहाँ बनाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी हम बाइक को देते हैं और निकलते हैं सीधे बाइक के पास, और केशव भाई उसको फ़ोन भी लगा लेगा बाइक के ओनर को, देन हम बाइक चेक कर लेंगे पूरी, और पसंद आएगी तो डील देखते हैं करके कम्प्लीट। तो मिलते हैं जस्ट हम बैरागढ़ के पास, यहाँ तो कुछ अभी खास दिखाने लायक नहीं है, तो वहीं मिलता हूँ गाइज। और मौसम देख लो एक बार आप फिर से, पूरा एकदम बारिश वाला हो रहा है, और लगभग 5 बज गए होंगे ना, लगभग 5 बज गए भाई। तो चलते गाइस आगे और आगे मिलता हूँ मैं जस्ट आपको। तो भाई साहब आ चुके हैं हम राजा भोज सेतु पे, और देखो जस्ट साइड में समुंदर है। तो यहाँ से करीब कितना, 10 किलोमीटर होगा लगभग ना, 7 किलोमीटर और लेफ्ट है भाई साहब। भाई साहब अभी पता है रास्ते में बारिश मिल गई थी हमको, इसी एरिए में थोड़ा सा भीग गए थे, बट अभी यहाँ तो कोई बारिश का एक बूंद भी नहीं दिख रहा है, उधर एरिया में थी बारिश पूरी। तो वेलकम टू द लेक व्यू, ये देखो गाइस यहाँ का थोड़ा सा सीन ही कुछ अलग रहता है भाई। तो शाम को आओ ना तो शाम को तो अलग ही है, दिन में उतनी कोई खास भीड़ नहीं मिलती है, शाम को बहुत भीड़ मिलती है भाई। ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना, ये देखो यहाँ पे क्राउड है भाई। तो लेट्स गो गाइस, आगे मिलता हूँ मैं अभी आपको। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं भाई के पास, और GT निकल रही है देखो जस्ट। तो अभी चलते हैं इधर बाहर निकल के देखते हैं बाइक।
तेरी वीडियो बना लेता हूँ। हेलमेट अंदर रख लिया? हाँ भाई बैठो बैठो। अच्छा इधर देखना भाई पैर में, आगे चलते ना। क्या भाई नहीं नहीं बोल रहा था क्या वो? हाँ बना लो। तो चलो गाइज मेरी टर्न आ गई अभी टेस्ट राइड करने की कॉन्टिनेंटल जीटी। देखना भाई चलो, तो लेट्स गो गाइज। केशव ने तो टेस्ट राइड कर ली है, कैसी लगी अभी? बाद में रिव्यू लूँगा। तो गाइज कॉन्टिनेंटल जीटी भाई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक में से एक है भाई ये मेरी। तो आज तो हम टेस्ट राइड लेने आए हैं, बाद में डिस्कस करके डिसाइड करेंगे भाई, फिर डील कंफर्म करेंगे। अभी चलो गाइस बाइक के मज़े लेते हैं, सबसे पहले मेन रोड चलते हैं। तो भाई पोस्चर तो एक नंबर है, मतलब R15 से तो बेस्ट है भाई, क्योंकि ये कैफे रेसर पैटर्न में है ना बाइक, तो भाई बहुत सटीक है। थोड़ी सी रैप करेंगे अपन बाहर चल के। भाई साहब मस्त इनिशियल है यार, क्या हो गया? अभी चेक कर लेंगे। सब यहाँ से भाई के घर चलते हैं और चल के देखते हैं एक बार। वो भाई साहब इनिशियल तो बहुत ही प्यारा है बाइक का, बस थोड़ा सा ब्रेकिंग में है ना प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ब्रेकिंग में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इसका जो झूला है ना स्विंग आर्म, वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो रहा है ऐसा लग रहा है। और मीटर में भी है ना, ये देखो स्पीडो मीटर में थोड़ा सा एरर है, देखो जहाँ से 0 हो जा रहा है 20 हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, बस और कोई बात नहीं है। और बाकी अब चल के अभी देखते हैं और थोड़ा सा जो बचा है। तो गाइस बाइक तो बढ़िया है, बस थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी बात करते हैं भाई से। अपन यहाँ पे रोक लेते हैं बाइक पहले। भाई साहब चारों ओर से बाइक देख लो एक बार, कुछ इस तरीके से है ये, देखो ऐसी कुछ है भाई। तो ही मिलते हैं जस्ट कुछ देर बाद। 2 hours later तो गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं और मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगा कि डील हुई क्या हमारी। और अभी हम फ्यूल करा लेते हैं और फिर उसके बाद वापस अपने घर की ओर चलेंगे और थोड़ा सा जो काम बचा है वो और करके फिर निकल जाएंगे हम। हाँ यार मूड ऑफ हो गया भाई। आइस चलो 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 ये फुल कर देना। चलो आइस व्यूल अब तो हो गया है हमारा, दिमाग ख़राब हो रहा ना। ठीक है थैंक यू भैया। चलो भाई साहब तो गाइस निकलते हैं यहाँ से जस्ट और फिर आगे चल के बताऊँगा मैं कि भाई डील क्या दिक्कत हुई क्या हुई साला दिमाग ख़राब। तो कुछ खा लें पहले क्या? हाँ फिर पहले कुछ खा लेते हैं फिर थोड़ा सा जो बच्चा काम है वो करके निकल जाएंगे घर की ओर। तो गाइस हम जस्ट निकले हैं अभी खाना खाकर। तो भाई मैंने चिकन टिक्का वगैरह खाया था तो वहाँ पर बहुत समय लग रहा था ना, तो ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ पर मैंने। चिकन टिक्का एक करी वगैरह खाया था मैंने। तो केशव तो अभी वीगन है तो केशव ने तो कुछ नहीं खाया, घर जाके खाना खाएगा वो। तो अभी जस्ट हम निकले हैं भोपाल से, लगभग रात के 9 बज गए हैं अभी और 10:15-10:30 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीच में रास्ता बहुत ख़राब है ना तो धीरे चलाना पड़ेगा बाइक। बाकी डील का सीन ऐसा है कि हम जब बाइक देखने गए थे हमने बाइक एक चला के देखी राइड की, बट अनफॉर्चुनेटली पता लास्ट में क्या हुआ कि OLX पे जब हम देख के गए थे तो कितनी थी 120 ना भाई, 1,20,000 की बाइक थी वो। और जब वहाँ जाके पता करा तो वो 140 बोल रहा था, मतलब 140 सीधे 20,000 एक्स्ट्रा कर दिए। और जब हुआ क्या कि जो मेन ओनर है ना उससे बात नहीं हो रही थी, उसके छोटे वाले भाई से पूरी डील की बात हुई, हमारे पास चैट्स वगैरह सारी हैं भाई। 110 में हमने फाइनल भी कर ली थी भाई, बट वहाँ लट गए वो लोग। तो ये थोड़ा सा हमें बेकार लगा क्योंकि भाई हमारा टाइम हमारा पैसा बर्बाद हुआ इसमें, कि यार भाई बात की कीमत होती है यार। आपको हमने कुछ भी नहीं बोला क्यों भाई? हाँ भाई मतलब देखो हमने कोई ना उनसे कोई बदतमीजी या कुछ भी कोई बात नहीं की, बट यार ये गलत बात है भाई कि 30,000 कम नहीं होते यार।
दो तीन हजार की बात होती तो चलता, बट 30,000 सीधे सीधे बढ़ा दिए। हमको यहाँ के तो थे नहीं भाई, हम 80-90 किलोमीटर दूर आपसे मिलने आए हैं, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हो, दो मुंह ही बातें, तो भाई ये अच्छा नहीं होता है। तो भाई मैं दिखाऊंगा आपको, चैट्स भी दिखाऊंगा, बस यही बात हमें थोड़ी सी बेकार लगी भाई, कि बात आपकी कुछ और हो रही है, आपने आपस में बात नहीं की और आप इसमें कुछ बोल रहे हो और उधर जाके कुछ बोल रहे हो, तो भाई थोड़ी बात ख़राब वाली बातें हैं ये। तो गाइस जस्ट अभी हम पेट्रोल पंप के पास रुके हैं, क्योंकि भाई प्यास बहुत तेज़ लग रही थी, तो केशव भाई अभी बॉटल भरने जा गया है, तो बस पानी वानी पी के निकलते हैं यहाँ से हम। चलो भाई पानी लेके आ गए केशव ब्रदर, और अब पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई साहब अभी जस्ट मैं रुका हूँ कुछ देर के लिए, और देखो यहाँ पे IPL चल रहा है भाई बरखेड़ा के पास भी देखो क्या मस्त दिख रहा भाई ग्राउंड, एक नंबर। अभी बस टॉस हुआ है, शायद तक बैटिंग वैटिंग आ गई है, लग रहे हैं फील्डर्स मस्त एकदम, ग्राउंड भी सही लग रहा ना, खेत बखर के तो बस भाई 5-1 मिनट रुकते हैं फिर जहाँ से निकल जाएंगे। A few moments later. तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं केशव के घर, और केशव को ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब कर दिया है। तो देखो मैं मैसेज दिखाना वाला था ना आप लोगों को, तो मैसेज देख लो फिर अपन घर जाके ब्लॉग एंड करेंगे। ये देखो, हाँ भाई भैया लास्ट 1.10 लैक यहाँ तक था भाई, 1.10 तक की बात थी और अब 1.60 कर दिया है भाई बाइक का प्राइस। ये देखो अभी 1.20 था उसका स्क्रीनशॉट तो है ना, तो ये लालच है भाई साहब, बट कोई ना देखी जाएगी अब आगे, दूसरी देख लेंगे। तो अभी चलते गाइस घर, और केशव को भाई को बाय बाय कर दो। ओके गाइस मिलते हैं घर के पास अब। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास, मतलब कॉलोनी में आ गया हूँ, और ऐसा कुछ ब्लॉक था भाई, डील हमारी नहीं हो पाई फाइनल, बिकॉज कि भाई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बोले या कुछ भी बोल सकते हो वैसा कुछ हो गया है, बट कोई ना अब देखते हैं कोई दूसरी गाड़ी देखेंगे। तो ऐसा कुछ था भाई अपना ब्लॉग, तो भाई थोड़ा सा बस यही है, समय और पैसे की थोड़ी सी बर्बादी हुई और कुछ नहीं, बट कोई ना करते हैं दूसरा कुछ। तो भाई हमने छोड़ दिया केशव को अपने घर और हम आ गए अपने घर पे। तो ऐसा कुछ ब्लॉग था भाई, तो ये ब्लॉग आई थिंक यही एंड करना चाहिए हमें। तो हमारी बीस्ट ऐसे कुछ दिख रही थी भाई। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, एंड ऐसे ही बरसाते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करें मुझे, और आते रहेंगे जल्दी ऐसे ही ब्लॉग्स। तो वेट एंड वॉच गाइस, तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।